उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में आंधी तूफान ने एक बार फिर कहर बरपाया। इन सभी राज्यों में तेज आंधी और बिजली गिरने की वजह से 43 लोगों की मौत हो गई। मौत के तूफान की चपेट में आने से बिहार में 17, उत्तर प्रदेश में 15 और झारखंड में 13 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में बाराबंकी, कुशीनगर, गोरखपुर और आजमगढ़ में दोबारा तूफान की चेतावनी जारी की है। मौत के तूफान की चपेट में आने से बिहार में 17, उत्तर प्रदेश में 15 और झारखंड में 13 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में बाराबंकी, कुशीनगर, गोरखपुर और आजमगढ़ में दोबारा तूफान की चेतावनी जारी की है। राजधानी दिल्ली में भी मौसम विभाग ने आंधी का अलर्ट किया है। यहां 50 से 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आ सकता है। बिहार और उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान से कई झोपड़ियां उजड़ गई तो कई जगह पेड़ और दीवारें गिर गई। कई जगह बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई। मई का महीना उत्तर प्रदेश के लिए मौत का महीना साबित हुआ है। केवल 29 दिन में यहां 4 बार तूफान ने 147 लोगों की जान ले ली। 2 मई को आंधी और तूफान की वजह से 73 लोगों की मौत हो गई थी। 9 मई को दोबारा तूफान ने 16 लोगों की जान ले ली। इसके बाद 13 मई को बारिश और बिजली गिरने की वजह से 43 और 28 मई को 15 लोगों की मौत हो गई। कल आए तूफान में उनाव में 6, पीलीभीत में 3 और रायबरेली में 2 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा कानपुर और गोंडा में 2 से 2 लोगों की मौत हो गई।